नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलिए जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को। भारत से लगी सीमा के नजदीक सड़क बनाने में जुटा नेपाल। 12 साल के बाद एक बार फिर से नेपाल ने भारत के नजदीक लगी सीमा पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खबरों की माने तो चीन के साथ चल रहे लद्दाख विवाद के बाद भारत और नेपाल के बीच रस्साकसी का माहौल बनने की उम्मीद जारी है, क्योंकि नेपाल सरकार ने 130 किलोमीटर लंबे धारचुला तिनकर रोड को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारों की माने तो नेपाल का इस तरह से भारत के पास सीमा निर्माण की प्रक्रिया दोनों देश के बीच में विवाद को और ज्यादा बढ़ा सकता है। खबरों की माने तो इस रोड के माध्यम से तिनकर पास के जरिए नेपाल चीन बॉर्डर से व्यापार बढ़ाने के लिए 2008 में मंजूरी दे दी गई थी। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 50 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जो भारत के उत्तराखंड से लगे सीमा से सटा हुआ है, जहां पर नेपाल सरकार ने एक बार फिर से सड़क निर्माण की प्रक्रिया तेज करवा दी है, जिसके बाद अब भारत की तरफ से भी सड़क बनाने की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद जताई गई है। किरण रिजिजू ने ज्योति कुमारी की ट्रेनिंग को लेकर कही अहम बात। बंद के माहौल में अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार पहुंची ज्योति कुमारी इन दिनों देश से लेकर विदेशों तक सुर्खियों में बनी हुई है। बीते दिन डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने भी इसकी हिम्मत की सराहना की थी, जिसके बाद अब भारतीय साइकिलिंग महासंघ के निदेशक वीएन सिंह ने ज्योति को क्षमतावान करार देते हुए कहा है कि महासंघ उसे ट्रायल का मौका देगा। अगर ईएसआई में मानकों पर थोड़ी भी खड़ी उतरती है तो उन्हें विशेष ट्रेनिंग और कोचिंग मुहैया कराई जाएगी, जिसके बाद केंद्रीय खेल मंत्री ने आश्वासन दिलाया है कि अगर ज्योति में क्षमता है तो उसकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया जरूर पूरी करवाई जाएगी। जिसके तहत उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि ज्योति कुमारी के ट्रायल के बाद साई अधिकारी और साइकिलिंग फेडरेशन को मुझे रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। यदि उनमें संभावना दिखती है तो उन्हें दिल्ली के आईजीआई स्टेडियम परिसर में राष्ट्रीय साइकिलिंग एकेडमी में प्रशिक्षु के रूप में चुना जाएगा। भारत में सैंपल टेस्ट के लिए चीन पर निर्भरता की कोई जरूरत नहीं। भारत ने कोविड-19 की जांच को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते देखे गए हैं, लेकिन अब भारत पीपीई किट निर्माण की प्रक्रिया की तरह ही कोरोना जांच करवाने में भी आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। खबरों की माने तो सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्वैब भारत में ही अब बनाए जाएंगे, जिसके लिए भारतीय कंपनियों के आपसी सहयोग से यह संभव हो पाया है। आपको बता दें, कोविड-19 टेस्ट के लिए संभावित व्यक्ति का सैंपल लेना होता है। यह सैंपल स्वैब के इस्तेमाल से लिया जाता है। अभी तक भारत में इसके लिए चीन पर निर्भर रहता था, लेकिन अब भारत को चीन की जरूरत नहीं होगी। इस बार की गर्मी करेगी सबको परेशान। देश में कई हिस्सों में जोरदार गर्मी का असर दिखने लगा है। उत्तर और मध्य भारत, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ समेत देश के 9 राज्यों में जबरदस्त गर्मी और लू का प्रभाव दिखने लगा है। अधिकांश इलाके में अधिकतम तापमान 40 से 46 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो गर्मी का असर यहां लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार गर्म हवा चल रही है। दिल्ली का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया है। अभी फिलहाल आने वाले समय में राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 28 मई को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि जगह जगह पर बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जिससे कि तापमान में 2 से 3 डिग्री से ज्यादा की कमी आने की उम्मीद नहीं जताई गई है। इसके साथ ही मौसम विभाग में राजस्थान समेत 5 राज्यों में भीषण गर्मी होने की संभावना जताई है। खबरों की माने तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में इस बार बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गर्मी तो रहेगी, बीच बीच में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। मिशन गगनयान के लिए 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने शुरू की ट्रेनिंग। मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान गगनयान के लिए भारत के चुने गए 4 भारतीय रूस में फिर से प्रशिक्षण लेना शुरू करेंगे। कोविड-19 की वजह से उनके प्रशिक्षण को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, मगर अब एक बार फिर से वह 4 भारतीय गगनयान के लिए प्रशिक्षण शुरू करेंगे, जिसके तहत रूसी अंतरिक्ष निगम ने एक बयान में कहा है कि गगरिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में 12 मई को सरकारी अंतरिम निगम का हिस्सा है और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के मानव अंतरिक्ष यान केंद्रों के बीच हुए अनुबंध के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का प्रशिक्षण फिर से शुरू करने पर सोच विचार किया जा रहा है, जिसके तहत सभी 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री का प्रशिक्षण प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। हालांकि उन्होंने यह भी बताया है कि 4 भारतीय अंतरिक्ष यात्री फिलहाल स्वस्थ है। हालांकि विभाग ने यह भी बताया कि प्रशिक्षण के समय में सभी अंतरिक्ष यात्रियों को कोविड-19 से बचाव के लिए जरूरी गाइडलाइन का पालन करवाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को जांच एजेंसियों को कर्ज देने का जारी किया आदेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी बैंकों को बिना सोचे जांच एजेंसियों को कर्ज देने की बात कही है। साथ ही सभी जांच एजेंसियों की गारंटी सरकार द्वारा लेने का भी ऐलान जारी किया है, जिसके तहत सीतारमण ने कहा कि कल मैंने दोबारा से दोहराया था कि अगर कोई निर्णय गलत होता है तो और अगर कोई नुकसान होता है तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। यह व्यक्तिगत अधिकारी और बैंक के खिलाफ नहीं जाने वाला है। तो बिना किसी संदेह के सभी बैंक जांच एजेंसी को लोन मुहैया करवाए। आपको बता दें, सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार 3C नाम से चर्चित जांच एजेंसी CBI, CVC और CAG को फिलहाल कर्ज की जरूरत है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सभी बैंकों से इन्हें कर्ज मुहैया करवाने की बात कही है। प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए आने वाले 10 दिनों में चलेंगी हजारों ट्रेन। कोविड-19 के माहौल के बीच केंद्र सरकार सभी प्रवासियों को घर पहुंचाने का काम कर रही है। इसी क्रम में लगातार विभिन्न राज्यों के लिए ट्रेनों के परिचालन की प्रक्रिया शुरू है और आने वाले 10 दिनों की बात करें तो सरकार की तरफ से जारी किए गए सूची के अनुसार 2600 से ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है, जिसकी जानकारी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार ने दी है और बताया है कि आने वाले 10 दिनों में 2600 से ज्यादा ट्रेनों के शेड्यूल को
तय किया गया है। इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सभी प्रवासी यात्रा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया है कि राज्य को विशेष ट्रेन के संचालन के बारे में अपनी जरूरत बताने के लिए भी कह दिया गया है। वहीं अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आंकड़ा जारी करते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने श्रमिकों को घर पहुंचा दिया है और आने वाले समय में उनके घर पहुंचाया जाएगा। हमेशा के लिए वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड पर गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने दी अपनी प्रतिक्रिया। कोविड-19 के बढ़ते असर के कारण पूरी दुनिया रुक सी गई है। वहीं कुछ कारोबार ऐसे हैं जो अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं और किसी तरह कंपनी का संचालन कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले यह सुनने में आ रहा था कि आने वाले समय में भी वर्क फ्रॉम होम ट्रेंड को अपनाया जा सकता है, जिस पर अब गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि उनके साथ ही कंपनी के कई कर्मचारी रिमोट वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि गूगल हार्डवेयर के क्षेत्र में बड़ी कंपनी है। इसीलिए पिचाई ने कहा कि इस साल तक के लिए तो वर्क फ्रॉम होम की रणनीति है, लेकिन उसके बाद कोविड-19 संबंधित योजना पर काम करने की जरूरत है, मगर आगे क्या होगा यह पूरी तरीके से कोविड-19 की स्थिति पर निर्भर करेगा। मैंने अक्सर सुना है घर से काम करने का मतलब घर से काम ना करना ही ज्यादा होता है। घर से काम करना आईटी के लिए मुश्किल है। अब इसकी सीमाएं कैसे तय करेंगे ये कंपनी तय करेगी। महाराष्ट्र सरकार 25 मई से नहीं शुरू करेगी उड़ान सेवा। देश भर में 25 मई से विमान सेवा शुरू करने का आदेश जारी किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र सहमत नहीं है। खबरों की माने तो महाराष्ट्र सरकार ने यह साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए विमानों की सेवा शुरू करना फिलहाल सही नहीं है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ नाराजगी जताते हुए कहा है कि सरकार ने विमान के परिचालन को लेकर के अभी तक उन्हें सटीक जानकारी नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने 25 मई से विमानों के परिचालन की अनुमति दे दी है, जिसके बाद 2 महीने के बाद एक बार फिर से सभी हवाई अड्डों पर विमानों के परिचालन देखने को मिलेंगे, जिसकी शुरुआत कल राजधानी दिल्ली से होगी। हालांकि विमान को शुरू करने के लिए सरकार ने पहले से ही सभी यात्रियों के लिए जरूरी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत सभी यात्रियों को समय से पहले आने की अनुमति दी गई है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की भी अपील की गई है। स्मृति ईरानी ने की सोनू सूद की तारीफ। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद बीते कई दिनों से मुंबई समेत महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में फंसे प्रवासियों को उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में वापस भेजने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद जगह जगह पर की सराहना की जा रही है। इसी क्रम में बीते दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी सोनू सूद की इस भावना की तारीफ की है। स्मृति ने लिखा है कि सोनू, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं एक प्रोफेशनल साथी के तौर पर 2 दशकों से आपको जानती हूं और एक्टर के तौर पर आपकी प्रगति पर खुशी मिली है, लेकिन ऐसी चुनौतीपूर्ण हालात में आपने जिस तरह की दयालुता दिखाई है उसे देखकर मुझे आप पर और ज्यादा गर्व हो रहा है। जरूरतमंदों की मदद के लिए आपका शुक्रिया। जिसके बाद सोनू सूद ने भी स्मृति ईरानी के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि शुक्रिया मेरी दोस्त, आप हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं। आपके प्रोत्साहित करने वाले शब्दों ने मुझे भी ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि जब तक हमारे हर एक भाई और बहन अपने घर नहीं पहुंच जाते, मैं उनका साथ दूंगा। आईसीसी ने सभी खिलाड़ियों के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन। कोविड-19 की वजह से जहां एक तरफ खेल के सभी प्रारूपों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था, वहीं अब धीरे धीरे करके खेल गतिविधियों को शुरू किया जा रहा है। इसी क्रम में भारतीय टीम के लिए आईसीसी ने नई गाइडलाइन के तहत खिलाड़ियों को अभ्यास के दौरान टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं करने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही मैच के दौरान खिलाड़ी अंपायरों को अपनी कैप या कोई भी सामान नहीं दे सकेंगे। खिलाड़ियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना होगा, जिसके तहत वह अपने निजी चीजें साथी खिलाड़ियों को भी नहीं दे पाएंगे। वहीं आईसीसी ने शुरुआती समय में सभी खिलाड़ियों के अकेले ट्रेनिंग शुरू करवाने पर जोर दिया है। उसके बाद 3-3 खिलाड़ियों के ग्रुप ट्रेनिंग करवाई जाएगी, जिसके बाद अपने कोच के साथ खिलाड़ी ट्रेनिंग कर पाएंगे। वहीं टीम और पूरे खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करने के लिए सभी खिलाड़ियों को पहले इन 3 नियमों का पालन करना होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार कोविड-19 के इस माहौल में वर्क फ्रॉम होम को जारी रखना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।